खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के, जहां पर जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मनचले को महिला ने जमकर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि युवक आए दिन उसे छेड़छाड़ी करने की कोशिश कर रहा था। नागौर जिले के कुचामन सिटी में बुड़सू रोड स्थित स्काई वर्ल्ड रिसोर्ट से प्लास्टिक प्रतिमत जागरूकता पद यात्रा रवाना हुई, जिसमें पूर्व विधायक श्री विजय सिंह चौधरी के साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वास्तव में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर जो कि महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती है, और उस जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में सांसद और पूर्व सांसद वगैरह सारे मिलकर के और विधायक जन और सारे जनता और हमारे कार्यकर्ता मिलकर के एक गांधी संकल्प यात्रा के नाम से प्रदेश में और देश में निकालेंगे। और इसी सिलसिले में हम लोग भी 2 अक्टूबर से लगातार अपने ज़िले में यात्राएं पदयात्राएं कर रहे हैं, और इस यात्रा के मार्फत एक संकल्प जनता को दिला रहे हैं कि देश के विकास के लिए सबको एक संकल्प लेना है। सबसे पहला स्वच्छ भारत का संकल्प, स्वच्छ भारत के लिए सबसे ज़्यादा जो रोड़ा बन रहा है, या चाहे नालियों को मतलब बंद हो जाना हो, या इसी प्रकार से गायों के लिए वृक्षों के पास में जहाँ थैलियाँ प्लास्टिक की जो वन टाइम यूज होने वाला पॉलीथीन और प्लास्टिक है, इसको बंद करने के लिए आह्वान करना, रिक्वेस्ट करनी लोगों को कि आप कृपया इसका यूज नहीं करें, उपयोग में नहीं करें। और इस सिलसिले में हम लोग जगह जगह थैलियाँ भी, कपड़े की थैलियाँ वितरण कर रहे हैं ताकि लोग इससे दूर रहें, और जहाँ भी कहीं सब्जी या अन्य सामान खरीदने जाएं तो अपना कपड़े की थैली लेके जाएं, ताकि इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, साथ में प्लास्टिक के दुरुपयोग से भी बचेंगे। और इसलिए प्लास्टिक जो वन टाइम यूज हो रहा है, जिसे हम पॉलीथीन की थैलियाँ कहते हैं, जो पतला प्लास्टिक होता है बिल्कुल पतला, उसके यूज़ पे कंट्रोल करना है, उसके यूज़ को निरुत्साहित करना है। इस सिलसिले में एक तो दूसरा, केंद्रीय सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर से ये अभियान, राष्ट्रीय अभियान चलाया है, तो इससे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी और जागरूक होंगे तभी ये जो अभियान है सफल होगा। प्लास्टिक बंद होनी चाहिए बिल्कुल। आज प्लास्टिक से कितना जो हमारी गायें वगैरह है, जानवर खाते हैं, उनके कितनी तकलीफ होती है, पेट में बीमारी हो जाती है। तो हम सबको भी ध्यान रखना है कि भाई सरकार तो कर रही है, लेकिन हम अमल करेंगे उस बात पर, तब जाकर ये अभियान सफल होगा। और इसी प्रकार पेड़ भी लगाने चाहिए, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी देश के लिए कर रहे हैं उनको हम सब साथ देंगे, तब होगा। और इसमें सरकार की ओर से भी सख्ताई होनी चाहिए। अभी हम विदेशों के अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ की जो सरकार की नीति है, सख्ताई से पालन होता है। वहाँ अपन कहीं कचरा गिरा नहीं सकते, वो आदत में शुमार हो जाता है, लेकिन अपनी सरकार की ओर से इसमें कठोर कदम उठाने चाहिए, सख्ताई बरतनी चाहिए, तभी अभियान सफल होगा, यही कहना। हर साल की भांति इस साल भी ग्राम मदारपुर में सिद्ध समाधि स्थल पर आज गुरु अमरनाथ दीक्षित जी ने फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया और श्री राम जी के बारे में लोगों की भक्ति भावनाओं को जगाया। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश है, और हमारे यहाँ जो रामलीला 1995 से हो रही है, यानी इसको 24 साल होते होंगे, और हमारे यहाँ रामलीला का कार्यक्रम बहुत सुंदर और बहुत अच्छे रूप से इसको यहाँ लोग दिखाते हैं, और हमारी कमेटी और सभी इसमें जुड़े रहते हैं, और क्षेत्रवासियों का सभी का यहाँ पर सहयोग दान होता है। और जो हमारे गुरुजी हैं श्रीमान अमरनाथ दीक्षित जी, नवापुरा मोहल्ला मुरादाबाद से आते हैं, और उन्हीं के द्वारा इस रामलीला का कार्यक्रम का ये उन्हीं के द्वारा चल रहा है, और हर साल हर वर्ष इसी भांति इसका उद्घाटन करते हैं, और ये रामलीला हमेशा तक चलती रहे, ये हमारा और सबका ये सौभाग्य बनता है। और सभी कमेटी वालों का ये कहना है कि जब तक हम लोग इस कार्य को चलाते रहें तो हमारे ऊपर गुरु जी की छत्र छाया बनी रहे। तो ये कहाँ पर होती है रामलीला? ये होती है ग्राम मदारपुर, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर में सिद्ध समाधि स्थल ग्राम मदारपुर मणिपुर होती है। खबरों में बात करते हैं मोदी नगर के, जहां नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब इंडियन ऑयल का एक ट्रक रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें जवन नशील पदार्थ लीक होने लगा। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।